रोजमर्रा की बातें की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे मस्तिष्क ब्रेन रोग के कारण, लक्षण और उसके बचने के उपाय। सबसे पहले जानते हैं मस्तिष्क रोग के कारण। नंबर एक, नींद पूरी ना करने की वजह से भी मानसिक रोग की शुरुआत होती है। नंबर दो, ऑफिस के काम का बहुत ज्यादा दबाव या प्रेशर अपने ऊपर लेना। नंबर तीन, घरेलू झगड़े की वजह से हमेशा परेशान रहना और उसी के बारे में बार बार सोचना। नंबर चार, अत्यधिक दवाइयों का सेवन करना। नंबर पाँच, ज्यादा समय तक काम करते रहना, अपने आप को बीच में आराम ना देना। नंबर छः, समय पर खाना ना खाना और समय पर नींद ना लेना। नंबर सात, बहुत अधिक नशा करना। नंबर आठ, जीवन में कोई दुखद घटना हो जाना। तो चलिए अब जानते हैं मस्तिष्क रोग के लक्षण क्या होते हैं। नंबर एक, अकेले में बड़बड़ाना। नंबर दो, बार बार स्वभाव बदल जाना। नंबर तीन, अपने काम में ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होना। नंबर चार, अच्छी नींद ना आना। नंबर पाँच, हमेशा हमेशा जोखिम भरे काम करना। नंबर छः, मामूली बातों पर बहुत जल्दी गुस्सा करना। नंबर सात, हमेशा थकान महसूस होना। नंबर आठ, हमेशा सिर दर्द की शिकायत होना। नंबर नौ, बहुत कम या बहुत ज़्यादा भूख लगना। नंबर दस, मन में नकारात्मक भावना। नंबर ग्यारह, किसी भी तरह के निर्णय लेने में कठिनाई होना। नंबर 12, आत्मविश्वास में कमी होना, जिम्मेदारी से कोई काम ना करना या चीजें बार बार भूल जाना। नंबर 13, मृत्यु या आत्महत्या के विचार में बन आना। तो अब जानते हैं मस्तिष्क के रोगों से बचने के घरेलू उपचार। नंबर एक, मस्तिष्क रोगी को अपना मूड का ख्याल रखना चाहिए। यदि मन में अधिक उदासी है या नेगेटिव विचार ज़्यादा आते हैं तो आपको अपनी दिनचर्या में बदलाव करने की बहुत ज़रूरत है। आपकी बिगड़ी दिनचर्या की वजह से आपका मूड ठीक नहीं रहता। नंबर दो, मस्तिष्क रोगी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ अपने संबंधों को बनाए रखना चाहिए और अपने स्वभाव में बदलाव के लिए उनसे बातें करनी चाहिए। उन्हें अपने रिश्ते का लाभ उठाना चाहिए। इस प्रकार संबंधों और मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर तीन, ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको नकारात्मक चीजें सोचने के लिए कहें और हमेशा आपसे नकारात्मक बातें करें। ऐसा करने से आप मस्तिष्क रोग से बचे रहेंगे और आपका मूड भी ठीक रहेगा। इसलिए उन लोगों के पास मत बैठना जो लोग हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं। नंबर चार, रोजाना व्यायाम या योगा करें, क्योंकि व्यायाम से आपका पूरा शरीर स्वस्थ रहता है और आपको तनाव नहीं होता है, जिससे हमारे मस्तिष्क पूरी तरह से स्वस्थ रहता है और आप ऊर्जावान महसूस करते हैं। इसलिए हमें व्यायाम या योग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नंबर छः, मस्तिष्क रोगी को पौष्टिक भोजन करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से ही आप कोई भी काम कर सकते हैं और आपके शरीर में कमजोरी व थकान महसूस नहीं होती। इसके साथ ही अपने आप को काम में व्यस्त रखना चाहिए। रोगी को वह काम नहीं करना चाहिए जिसे उसे करने में खुशी नहीं मिलती, और रोगी को वह काम करना चाहिए जिसे उसे करने में खुशी मिलती है। नंबर छः, यदि आपको किसी बात को लेकर तनाव है तो यह जरूरी नहीं है कि आप नशा करें, बल्कि आपको शराब और नशा करने से बचना चाहिए। बस अपने आप को उन चीज़ों में व्यस्त रखिए जो काम आपको करने में मज़ा आता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारे टिप्स अच्छे लगे हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे वीडियोज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अपना और अपनों का ध्यान रखिए।